सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। उड़ गए हो तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए। हर जिंदगी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। आज का पंचांग 14 सितंबर 2020, देश सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात्रि 1:29 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र दोपहर 3:52 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मेरा से 14 सितंबर 2020, दिन सोमवार, आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या ईमेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आगे वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएगी। आज ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। अपनी क्षमताओं व ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का भी उचित समय है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। जीवन की परेशानियों का अवसर आज सवेरे पर होगा। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। पुराना खर्चा ना लौटा पाना आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाएगा। कोई नया काम भी आपकी लापरवाही की वजह से खराब हो सकता है। सारी बातों को सुलझाने के लिए वक्त देना जरूरी है। साथ में आपको अपनी निर्णय क्षमता पर भी काम करना होगा। काम में मिली असफलता बेचैनी बढ़ा देगी। आपकी अधीनस्थ सहायक रहेंगी। मनचाहे काम में प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। जॉब बदलने के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू के मामले में उल्लेखनीय गतिविधि संभव है। सावधानियां, पैसे के लेन देन संबंधित कार्य को बहुत ध्यान पूर्वक करें। इसके वजह से घर में भी कोई गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई वाहन से संबंधित लेन देन की योजना बन रही है तो पहले उस पर भली भांति विचार करें। लव लाइफ की बात करते हैं। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई है और आपने रक्षात्मक रुख अपना लिया है, जिसे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वो समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। करियर की बात करें तो आज के दिन अपने व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगी। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। सेहत की बात करें तो आज अपनी और अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी तकलीफें भी अचानक ही महत्वपूर्ण दिखने लगेगी, इसलिए आपको पहले से रोकथाम के उपाय
कर लेने चाहिए। या ध्यान रखें कि आप क्या खा रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस चीज को खाने के बाद आपका मूड खराब हो जाए। आज का उपाय, आज अब शिवलिंग पर 5 अमृत अर्पित करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।